अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैंगलोर स्टाइल, हमारे गांव स्टाइल, हमारे मम्मी की रेसिपी। वो है मुरिंगा की भाजी का चार, यानी कि मूंगे की भाजी का चार। मूंगे की भाजी कुछ इस तरीके से दिखती है। गांव से फ्रेश लाए थे तो हम यहाँ पर क्लीन कर रहे हैं। देखें इस तरीके से क्लीन किया जाता है। डेंटल को इस तरीके से निकाल के भाजी के पत्तों को मैं अलग कर रही हूँ। तो ये भाजी गांव साइड कहीं भी आपको नज़दीकी मार्केटों में हर जगह पर यह भाजी आसानी से मिल जाती है। मुरिंगा लीफ के अगर आप फ़ायदे जान लोगे तो आप अपने डाइट में, अपनी रूटीन में इसे ज़रूर ऐड करना चाहोगे। तो मुरिंगा के फ़ायदे हैं, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस एंड जिंक भी पाया जाता है। मुरिंगा की भाजी खाइए, या आप इसकी फली खाइए, या आप इसका सालन या सब्ज़ी बना के खाइए, नहीं तो आप इसका पाउडर भी, जब मुरिंगा की भाजी को ड्राई करके इसका पाउडर भी बना के पानी के साथ कंज्यूम करते हो तो आपको कोई भी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन्स की कोई भी मेडिसिंस लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस भाजी को रेगुलर आपके डाइट में इसे यूज़ करोगे तो नेचुरल कैल्शियम, विटामिन्स आपकी बॉडी में बनते रहेंगे, आपकी हेल्थ और बेहतर होती दिखाई देगी और बेटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप अपने डाइट में इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। आज मैं आपको टोटल 3 रेसिपी बना के बताऊँगी, एक तो सब्ज़ी और एक भाजी का कच्चा अचार और एक पका हुआ अचार, हम इस तरीके से कहते हैं। तो 2 तरीके के सालन बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलें बिना वीडियो को स्किप करें आपने शुरू से लेकर एंड तक पूरा वॉच करना है। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना है, वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए देख लीजिए रेसिपी। बहुत से लोग इसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कोई कहते हैं भाजी का पानी, कोई कहते हैं इसे कच्चा अचार, कोई कहते हैं पक्का चार, कोई कहते हैं मूंगे की भाजी का चार। तो हम कहते हैं इसे मूंगे की भाजी का कच्चा चार, क्योंकि इसे पकाया नहीं जाता। कच्चा चार और पक्का चार दोनों आपके साथ मैं आज शेयर करूंगी, ठीक है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बहुत कम लोगों को ये भाजी पसंद होती है क्योंकि इसमें थोड़ी सी हल्की कड़वाहट रहती है, तो इसलिए बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं रहती। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, यकीन करें ये भाजी खा के देखिए, आपकी हेल्थ में बहुत सुधार आएगा, ठीक है। तो आप अपने डाइट में ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने भाजी को अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसे वॉश कर लिया है। अभी एक कुकर में मैं सारी भाजी को वॉश करके ऐड करती जा रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने लिया है तुअर दाल 1 कटोरी जितनी। हम भाजी और दाल को गलाने वाले हैं, बॉईल करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने तुअर दाल ले लिया है। अभी पानी ऐड करके इसमें अच्छे से हम वॉश करके ले लेंगे, ठीक है। इसमें भी गंदगी, डस्ट होती है ना, तो सारी चली जाएगी वॉश करके ऐड करने से। तो अच्छे से वॉश करके पानी फेंक देंगे। अभी ये जो दाल है हम कुकर में भाजी में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं 2 बंच जितनी भाजी ली थी तो मैं यहाँ पर 1 कटोरी जितना दाल ऐड कर रही हूँ, तुअर दाल। तो ये दोनों ऐड करने के बाद हमें पानी ऐड करना है, करीबन 4 से 5 कप जितने, क्योंकि ये जो भाजी होती है इसे हम फ्राई करेंगे, जो इसका पानी होता है इसमें हम 4 बना के रेडी करेंगे, यानी कि सालन, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अभी हम भाजी बॉईल करने के लिए रख रहे हैं। मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। अभी कुकर का कैप बंद करके 2 सीटी आने तक हम पका लेंगे, दाल गलने तक, ठीक है ना। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखिए दाल और भाजी दोनों अच्छे से गल चुकी हैं। अभी हमें इसे ठंडा करना है, ठीक है। अभी मैं इसका पानी स्ट्रेन कर लूँगी, हमें पानी चाहिए फ्रेंड्स। पानी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत हेल्दी होता है, तो इसी में हमारा सालन बनाने वाले हैं हम। तो सारा पानी मैं एक बोल में स्ट्रेन कर लूँगी। तो ये देखें
एक बोल भर के मुझे पानी मिला है, तो पानी की क्वांटिटी आपने ज़्यादा ऐड करनी है भाजी गलाने के टाइम। तो थोड़ी सी भाजी और दाल को मैं अलग से निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इतनी सी भाजी एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये है सालन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज, 6 से 7 सूखी मिर्च और लहसुन लिया है और ड्राई कोकोनट लिया है। आप कच्चा कोकोनट भी ले सकते हो, फ्रेश कोकोनट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एक खाली पैन लिया है। चलिए अभी हमें इसे रोस्ट करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें कच्चा ही नहीं पीस के मसाले में ऐड नहीं करना, हमें इसे अच्छे से सॉटे करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक मसाले को भूनना है, क्योंकि हम सालन को पकाने वाले नहीं हैं, हम कच्चा ही खाएंगे इसका। इसी तरीके से सालन बनता है, मज़े का बनता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमें मसाले को पहले से ही ड्राई रोस्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोकोनट को भी देख सकते हो आप, गोल्डन पैचेस आ गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर दिया है, लहसुन और जो सूखी मिर्च थी उसे भी ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे लास्ट में, क्योंकि ज़ीरा जल्दी जल जाता है ना, इसीलिए हम लास्ट में ऐड करेंगे। सब चीज़ों को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अभी जो हम भाजी लिए थे उसी में इस मसाले को भी डाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी वही कढ़ाई में फिर से मैंने 1 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड करके यहाँ पर टमाटो को कट करके उसे भी रोस्ट होने के लिए छोड़ दिया है स्लो फ्लेम में। तब तक यहाँ पर मैं मसाला पीस लूँगी। तो जो भी मैंने अभी निकाली थी उस सारी चीज़ों को हम बारीक सा पेस्ट बना के ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच जितनी इमली ली है, अच्छे से वॉश कर लिया है, उसे ऐसे भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट मैं फ्रेश हरा धनिया लिया है, उसे भी ऐड किया है बिना पानी डाले। अभी हमें इसे बारीक सा पीस लेना है, ठीक है। तो ये देखें, इतना सा पीस चुका था। अभी इस स्टेज पर मैं जो भाजी का पानी निकला हुआ था ना, उसी पानी को ऐड करके मैं फिर से इसे बारीक पीस के ले लूँगी। आपने भी सेम इसी तरीके से फॉलो करके इस रेसिपी को बना के रेडी करना है। तो चलें चेक करते हैं। अभी ये देख सकते हो आप, फाइन सा पेस्ट हो चुका है, बारीक हो चुका है मसाला। सेम आपने भी इसी तरीके से पीस के ले लेना है। तो चले, ये जो हमने पानी लिया था हाफ क्वांटिटी जितना मैं निकाल ली हूँ, हाफ क्वांटिटी में पानी ठंडा होने के बाद, जी फ्रेंड्स समझ लीजिए, सुन लीजिए गौर से, ये जो भाजी का पानी है, इस भाजी के पानी में हम फर्स्ट कच्चा अचार बनाना बता रही हूँ मैं आपको। हाफ क्वांटिटी पानी लिया है भाजी का, इसमें मैं आधा जो मसाला पिसा हुआ था उसे ऐड कर दिया है। ये हो गया जी कच्चा अचार, इसे कहते हैं। अभी टेस्ट के हिसाब से हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। ये अचार हम नहीं पकाने वाले, पकाते नहीं हैं इसे। तो यहाँ पर तड़का रेडी कर रही हूँ मैं, वही पैन में जो मसाले रोस्ट किए थे ना, उसी पैन में मैं ऑयल ऐड किया है। 1 टेबल स्पून राई ऐड करेंगे, थोड़े से कड़ी लीफ के पत्ते ऐड करेंगे और बारीक लंबी स्लाइसेस में कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम जो ये कच्चा अचार था इसमें ये जो तड़का है, ठंडा होने के बाद हम इसे ऐड करेंगे। जी पानी और जो हमारा तड़का है दोनों भी ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, ये थी कच्चे अचार की रेसिपी। हमारे घर हमारे अम्मी इस तरीके से कच्चा अचार बनाते हैं, तो उनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर की हूँ। तो चलें इसे कर देते हैं साइड पे, अभी बना लेते हैं पक्का अचार, ठीक है ना। तो आपने देखा था ना, मैंने टमाटो रोस्ट होने के लिए रखा था, वो जो पिसा हुआ था मसाला मैं उसी में ऐड कर दूंगी, जो रोस्टेड टोमेटो को, इसको भी हम ऐड करके बारीक सा पीस के ले लेंगे, ठीक है ना। इसकी भी प्यूरी हमने बना के रेडी कर लिया है। तो चलें आगे बढ़ते हैं दूसरा अचार बनाने के लिए, यानी कि पक्का अचार। लोग दोनों अचार भी पसंद करते हैं, आपको जो पसंद अचार वो बना के आप खाइएगा। इन दोनों रेसिपी में आपको जो पसंद है उसे आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने खाली पैन में ऑयल लिया था 3 से 4 टेबल स्पून, राई ऐड कर दिया है, प्याज ऐड किया है और कड़ी लीफ को ऐड किया है। इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखें, इस स्टेज पर मैं एक सूखी मिर्च को ऐड कर दूंगी,
यहाँ पर हम तड़का रेडी कर रहे हैं। हाफ क्वांटिटी जितना मैंने भाजी, गली हुई भाजी का पानी निकाल के रखा था ना, उस पानी को मैं इस तड़के में डायरेक्ट ऐड कर दूंगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम जो मसाला पीस के रखे थे उसे ऐड कर देंगे इस पानी में, ठीक है। अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़े से भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छे से मिक्स करके जो जार में मसाला लगा हुआ था उसमें मैं अच्छे से वॉश करके इसमें मैं ऐड कर दूंगी। आपको इस स्टेज पर नमक, मिर्च, मसाले सारे टेस्ट करने हैं, खटास भी टेस्ट करनी है क्योंकि हमने इसमें इमली ऐड किया है, टोमेटो भी ऐड किया है, तो उस हिसाब से आपने इसमें पानी भी ऐड करना है। यहाँ पर मुझे नमक कम लगा तो मैंने नमक ऐड कर दिया है। आपको गाढ़ा चाहिए या पतला चाहिए उस हिसाब से आपने पका लेना है, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैं स्लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं भाजी फ्राई करने के लिए इंग्रेडिएंट्स लिया है, 3 सूखी मिर्च और ड्राई कोकोनट। इसको भी बहुत अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं तो मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से सिंपल सा बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को मैंने दर दरा सा पीस लिया है बिना पानी डाले, ठीक है ना। तो ये रेडी है। तो यहाँ पर देखें सालन पक रहा है, हमने स्लो फ्लेम पे इसे पकाने के लिए रखा था। ये अच्छे से पक चुका है, सारे मसाले की कच्ची स्मेल चली गई है, तो मैं इसका फ्लेम ऑफ करके रख दूंगी साइड पे। तो ये सालन तो हमारा रेडी हो चुका है। मैं जो मसाले फ्राई की थी उसी पैन में ऑयल ऐड किया है, 3 से 4 टेबल स्पून। अभी हम भाजी फ्राई कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने कड़ी लीव ऐड किया है। नेक्स्ट यहाँ पर कुटा हुआ लहसुन को ऐड कर दिया है, तो इन दोनों को हल्का सा इनका कलर चेंज होने तक हम इसे पका लेंगे। फ्लेम को स्लो ही रखिए, लहसुन बहुत जल्द जल जाता है, ठीक है। तो इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूंगी प्याज, 3 प्याज को मैंने लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया था, उसे भी हम ऐड कर देंगे। इसका भी थोड़ा सा हल्का कलर चेंज होने तक पका लेंगे। तो ये देखें, तो चलें जी, इस स्टेज पर हम ऐड कर देंगे जो हमने पीस के रखा था ना कोकोनट और सूखी मिर्च को, उस पेस्ट को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लेंगे ऑयल में, ठीक है। अभी जो बॉयल की हुई थी दाल और भाजी, इन दोनों को हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिना पानी डाले, ठीक है। थोड़ा सा भी पानी नहीं ऐड करना, ये सूखी सब्जी है, इसी तरीके से बनाते हैं, तो इसी तरीके से ने आपने भी बनाना है। थोड़ा सा भी पानी नहीं ऐड करना, इसी मिक्सचर में आपने इसे अच्छे से मिक्स करके, थोड़ा सा नमक कम लगा तो आपने नमक ऐड कर लेना है, ठीक है। भाजी गलने के समय भी हमने नमक डाला था तो आप नमक का ध्यान रखिएगा, कहीं ज़्यादा ना हो। तो थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा तो मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसे और पकाऊंगी। तो ये देखें जी, ऑलमोस्ट ये रेडी है, मैं इसे ऑफ कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर लिया है। ये थी हमारी भाजी के चार्स की रेसिपी, कच्चा चार, पक्का चार और भाजी फ्राई। तीनों रेसिपीज आपको अच्छे से समझ आई होंगी। आपने भी सेम इसी रेसिपी को फॉलो करके बना के देखिए, एकदम मज़े की टेस्टी बनेगी, थोड़ी सी भी कड़वी नहीं लगेगी आपको। हमें तो बहुत अच्छा लगा इसका टेस्ट, आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। हम इस सालन के साथ, हमारे घर सब लोगों को रागी बॉल्स पसंद है तो मैंने उसे बना लिया था। हम इस तरीके से खाते हैं, ये है हमारा स्टाइल। तो एक प्लेट में थोड़ा सा सालन, साइड में थोड़ी सी भाजी लेते हैं और रागी बॉल्स को रखते हैं, इस तरीके से सालन में डिप करते हैं और खा लेते हैं। तो हम इस तरीके से करते हैं जी। आप इसे प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हो, ठीक है ना। तो देखें, एक बार भाजी, एक बार रागी बॉल्स, इस तरीके से खाते हैं। माशाल्लाह मज़े का लगता है, आप भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा विलेज साइड रेसिपीज़ को, माशाल्लाह बहुत हेल्दी और टेस्टी रहते हैं। मुरिंगा की भाजी, उसका सालन, उसकी सब्ज़ी हल्की सी कड़वाहट रहती है। टेस्ट के पीछे मत भागिए, हेल्थ के पीछे भागिए, हेल्थ पीछे रह जाएगी अगर आप टेस्ट के पीछे भागोगे तो, ठीक है ना। तो बना के खाइए और अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।